Hello children, today we are going to listen to a story. Yes, we are going to listen to a story in Hindi. So, would you like to know the name of the story? Let's begin with the story. Kahani ka naam hai Khargosh aur Kachua. एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड हो गया, जिसकी वजह से वह धीमी चाल वाले कछुए का मजाक उड़ाता रहता था। एक बार उसने कछुए का मजाक बनाने के लिए उससे रेस लगाने को कहा। कछुआ भी रेस लगाने तैयार हो गया। अरे यह क्या, जंगल में यह बात तेजी से फैल गई और सभी जानवर रेस वाली जगह पर इकट्ठा हो गए। सभी को लगता था कि खरगोश ही यह रेस जीतेगा, क्योंकि कछुआ तो धीरे धीरे चलता था। सब कछुए का हौसला बढ़ाने लगे। रेस शुरू होते ही खरगोश और कछुए ने दौड़ना शुरू किया और थोड़ी ही देर में खरगोश सब जानवरों की आंखों से ओझल हो गया और कछुआ अपनी धीरी धीरी चाल से चलता रहा। थोड़ी दूर पहुंचने पर खरगोश को एक गाजर का खेत दिखाई दिया तो उसने सोचा, अभी तो कछुए को यहाँ तक आने में बहुत समय लग जाएगा, इतने में थोड़ी सी गाजर खा लेता हूँ और आराम भी कर लेता हूँ। आराम करते करते खरगोश को नींद आ गई। वही दूसरी तरफ धीरे धीरे चलते चलते कछुआ भी वहाँ तक पहुँच गया, लेकिन खरगोश तभी भी सोता रहा। जब खरगोश की आंख खुली तो ये क्या देखा उसने? उसने देखा कछुआ लक्ष्य तक पहुंचने ही वाला है। कछुए को लक्ष्य के पास जाता देखकर खरगोश ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही कछुए ने लक्ष्य रेखा पार कर रेस जीत ली। यह देखकर बेचारे खरगोश का घमंड चकनाचूर हो गया। बच्चों बताओ, यह कहानी में किसकी जीत होती है? धीरे धीरे चलने वाले कछुए की कि दौड़ लगाने वाले खरगोश की? यह कहानी में धीरे धीरे चलने वाले कछुए की जीत होती है, क्योंकि खरगोश उसका मजाक उड़ाता था और अपने पे घमंड करता था। तो हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप यह कहानी बार बार दोहराना और यह सीख अपने जीवन में उतारना। थैंक यू, धन्यवाद।